Beauty, chapter number 14, and the topic of my content is spermatogenesis. हम पहले भी बात कर चुके हैं कि the production of sperm in testis is called as spermatogenesis, यानी कि sperms का testes के अंदर बनना spermatogenesis कहलाता है. अब ये sperms बनते कैसे हैं, इसकी डिटेल को डिस्कस करते हैं. देखें, some cells present in the walls of the seminiferous tube of testes divide rapidly by mitosis to form large number of diploid spermatogonium. यानी क्या कह रहा है कि कुछ सेल्स होते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स ऑफ टेस्टीज में डिवाइड के मकाम टेस्टीज के मकाम पे डिवाइड होते हैं बाय माइटोसिस और लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं. यानी कि जो सेवरल सेल्स प्रेजेंट हैं एट द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वो क्या करते हैं, माइटोसिस के प्रोसेस से सेवरल टाइम्स डिवाइड होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं. अब क्या होता है आगे, सम स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. यानी कि कुछ स्पर्मेटो जो गोनियम होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोसाइट्स. अब हर एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो अंडरगो करता है मीओसिस वन और प्रोड्यूस करता है टू डॉटर सेल्स कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. डायग्राम में मैं क्लियर करता हूँ इस बात को कि ये देखें कि आपके पास जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से माइटोसिस के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम जो बने हैं वो आपके पास ये प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनियम 2N. मैंने आपको बताया कि कुछ स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं वो प्राइमरी ओसाइट्स परफॉर्म करते हैं. यानी कि हर जो आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो अंडरगो करता है मीओसिस वन. अब आपके पास ये प्राइमरी सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस के थ्रू प्राइमरी ओसाइट बनाएगा, फिर प्राइमरी ओसाइट मीओसिस वन की स्टेज से गुजरेगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा दो. यानी कि ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मीओसिस वन और प्रोड्यूसेस टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. अब यहाँ पे टू डॉटर सेल्स बनी है हैप्लॉइड, दीज सेल्स अंडरगो मीओसिस टू. फिर वो जो नेक्स्ट आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं या टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो बने हैं वो फिर मीओसिस टू से अंडरगो करेंगे. इन दिस वे फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे एक प्राइमरी ओसाइट से. देखते हैं इस बात को. देखें, आपके पास ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये मीओसिस टू से गुजरेगा, फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो दो आपके पास क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे मीओसिस टू की स्टेज में. यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब कंप्लीट मीओसिस परफॉर्म हुई तो चार स्पर्मेटिड्स बन गए. एट दैट टाइम ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये नॉन मोटाइल हैं और इनमें बहुत सी चेंजेस अकर होने वाली है ताकि उनकी मोटिलिटी बरकरार रखी जा सके या उनको मोटिलिटी में कन्वर्ट किया जा सके. यानी कि द स्पर्मेटिड्स आर नॉन मोटाइल एंड मैनी चेंजेस अकर इन देम टू कन्वर्ट देम इनटू मोटाइल सेल. अब क्या होता है, ये श्रिंक करते हैं, ये क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं, देयर न्यूक्लियाई श्रिंक एंड सम स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल, अ कॉर्नर कॉल्ड एक्रोसोम बना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये श्रिंक हुआ आपके पास स्पर्मेटिड और ये एक्रोसोम बना. एक्रोसोम के बाद अ टेल बनी, आपको ये नज़र आ रही है सारी टेल बनी जिसे फ्लैजेला कहते हैं, ये टेल बनी. उसके बाद क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया रिंग बनी जो एनर्जी स्टोर हाउस होती है जो एट द नेक बनती है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियस मौजूद होता है इनसाइड द एक्रोसोम. तो आफ्टर दी स्ट्रक्चर एक स्पर्मेटिड कंप्लीट स्पर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. आई विल रिपीट इट अगेन कि कुछ मदर सेल्स होते हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टीज के अंदर माइटोसिस के थ्रू वो डिवाइड होते हैं और बनाते हैं डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम. हर एक स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी ओसाइट से गुजरता है और उसके बाद फिर मीओसिस वन और मीओसिस टू की स्टेज से ये प्राइमरी ओसाइट गुजरते हैं और चार स्पर्मेटिड्स बनते हैं.
अब ये जो चार स्पर्मेटिड्स बनते हैं इस पे अगर बात करते हैं तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये स्पर्मेटोगोनियम था, माइटोसिस के थ्रू ये बनाया इसने प्राइमरी ओसाइट, फिर प्राइमरी ओसाइट मीओसिस वन की स्टेज से गुजरा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो बने, टू हैप्लॉइड आपके पास टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आपके पास बने, फिर वो मीओसिस टू की स्टेज से गुजरे तो हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो दो स्पर्मेटिड्स बने, तो ओवरऑल मीओसिस में चार स्पर्मेटिड्स बने हैं जो एट दैट टाइम नॉन मोटाइल हैं, उनमें बहुत सी चेंजेस अकर होंगे और इनको कन्वर्ट किया जाएगा मोटिलिटी सेल्स के अंदर। अब क्या होता है कि फर्दर ये न्यूक्लियस जो होता है देयर न्यूक्लियाई क्या होता है श्रिंक होता है एंड सम स्ट्रक्चर्स इनसे फॉर्म होते हैं, यानी ये न्यूक्लियस श्रिंक होता है और कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है जिसमें आपके पास एक्रोसोम आ जाता है हेड, ठीक है, फिर नेक आती है और फ्लैजेला आता है, नेक के अराउंड माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होती है और फ्लैजेला टाइप इनकी क्या होती है टेल होती है और इसके एक्रोसोम के अंदर हेड प्रेजेंट होता है। अब ये चेंजेस जब अकर होती हैं तो एक स्पर्मेटिड कंप्लीट स्पर्म में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस।